मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 21 पर सुंदरनगर उपमंडल के तहत आने वाले कांगो गांव के पास एक टेम्पो ट्रैवलर के खाई में गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार ये सभी लोग अम्बाड़ा के रहने वाले हैं और नेरचौक से आई बारात में बराती बनकर जा रहे थे। जब यह हादसा हुआ उस वक्त यह बारात वापिस अम्बाला जा रही थी। बताया जा रहा है कि टेम्पो ट्रैवलर का चालक बाइक को ओवरटेक कर रहा था और उस दौरान वह गाड़ी पर से अपना नियंत्रण खो बैठा और गाड़ी करीब 200 फीट गहरी खाई में लुढ़क गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। पुलिस और प्रशासन की टीमें भी दलबल के साथ बचाव कार्य में जुट गई। मौके पर ही 4 लोगों ने दम तोड़ दिया जबकि 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन बाद में उन्होंने भी दम तोड़ दिया। डीएसपी सुंदरनगर तरणजीत सिंह ने बताया कि दुर्घटना संबंधी मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं एसडीएम सुंदरनगर देवश्वेता वनिक ने बताया कि मृतकों के परिजनों को फौरी राहत के तौर पर 10,000 रुपए और घायलों को 5,000 की राशि दी गई है। आज NH21 पे कांगो के नजदीक एक एक्सीडेंट हुआ है। एक टेम्पो ट्रैवलर जो नियर चौक शादी अटेंड करके वापस आ रही थी, इसका नंबर है PB01B0496। नियर चौक के पास लापड़ की तरफ एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार के लगभग 300 फुट नीचे गहरी खाई में गिर गई है। तो जिसमें जो अभी तक पता चला है कि 13 लोग सवार थे, जिसमें 4 लोग जो है मौके पर ही दम तोड़ गए हैं तथा अभी तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक 2 लोग और जो है जो अस्पताल में दम तोड़ गए हैं, बाकी घायल सारे सिविल हॉस्पिटल सुंदरनगर में उनका इलाज चल रहा है। सर, जो इस दुर्घटना में जो लोगों की मृत्यु हुई है उनके जो शव है वो अभी निकाल दिए गए हैं? उनके शव निकाल के सारे हॉस्पिटल भेज दिए गए पोस्टमार्टम के लिए। जी सर, धन्यवाद। एक दर्दनाक हादसा पेश आया है, क्या कहना है आपको? इसमें एक टेम्पो ट्रैवलर थी जो कांगो के पास हादसे का शिकार हुई। उसमें से सभी जो है यात्री थे उनको निकाल के सुंदरनगर सिविल हॉस्पिटल पर पहुँचाया गया। उनमें से जो है प्राथमिक जानकारी के मुताबिक 6 हैं वो हादसे का शिकार हो गए और 6 कैजुअल्टीज हैं और बाकी जो है वो इंजर्ड हैं, उनका उपचार जो है सिविल हॉस्पिटल में सुंदरनगर में चल रहा है। उनमें से कुछ 2 लोगों को जो है अब तक PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया जा चुका है, इंजरीज सीरियस नेचर की थी और बाकी लोगों का भी उपचार चल रहा है और टेस्ट हो रहे हैं। और उसी के साथ साथ जो रिलीफ मैनुअल के अंतर्गत जो एप्लीकेबल फौरी राहत जो है इसमें है फैमिली मेम्बर्स ऑफ द डिजीज और इंजर्ड की, वो जो है उनको उसके मुताबिक जो है हादसों का क्या कारण रहा होगा, कुछ ऐसी सूचना आई है इस बारे में? जो है अभी तक सूचना जो है पूरा तौर पर पहुंची है, इसकी जाँच सूचना आने की। सर, आप एक गाड़ी के चालक थे, ये जो घटना पेश आई है क्या कारण रहा है इसका? सर, एक गाड़ी आ रही थी आगे से, उससे पीछे बाइक आ रही थी, उसने ओवरटेक करा और गाड़ी के अंदर बजा के मेरे, और मैंने उसको बचाने के चक्कर में गाड़ी घुमा दी, वो बीच चला। इसमें कितने सवार थे करीब? सर, मिक्सिंग मेरे समेत 14। यस सर।